तो छत्तीसगढ़ व्यापा में बीएड और डीएलएड भर्ती परीक्षा 2023 एग्ज़ाम जो है हो चुका है। आपको बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में जो है बीएड करने के लिए 14,400 सीटें हैं और डीएलएड के लिए छत्तीसगढ़ में 6,710 यानी कि 6,710 सीटें जो है छत्तीसगढ़ में डीएलएड करने के लिए अवेलेबल है। इस समय जो है आपको बता दूँ कि छत्तीसगढ़ में बीएड और डीएलएड करने की होड़ जो है बढ़ चुका है, क्योंकि पहले क्या था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा उतने ज़्यादा नहीं होते थे, लेकिन इस समय जो है शिक्षकों के टीचर्स के इतने ज़्यादा वैकेंसीज आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आ रहे हैं, जिसके वजह से सभी स्टूडेंट्स का रुझान जो है बीएड और डीएलएड कोर्स की ओर जो है बढ़ चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा संकेत है आपके जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। तो आने वाला है 14,000 शिक्षकों के नए भर्ती। तो इससे पहले आप सभी को मैं बता दूँ छत्तीसगढ़ में बीएड और डीएलएड एग्ज़ाम जो है हो चुका है। कुछ ही दिनों में इसके लिए जो है मॉडल आंसर जो है जारी कर दिए जाएंगे सीजी व्यापम के द्वारा। जब मॉडल आंसर आएगा उसके एक सप्ताह बाद जो है आपके रिजल्ट भी घोषित कर दिए जाएंगे। तो आखिरकार जो है छत्तीसगढ़ में बीएड का और डीएलएड का जो है कट ऑफ जो है कितना जाएगा, किस तरह से आपको जो है काउंसलिंग करना है जिससे कि बीएड और डीएलएड में आपका सिलेक्शन जो है हो पाए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स गलती इसी वजह से कर लेते हैं क्योंकि वो काउंसलिंग को ही ठीक तरीके से नहीं समझ पाते। तो आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया को अच्छे से समझना है और वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और आपको जो है कहाँ एडमिशन लेना चाहिए जहाँ पर जो है बेस्ट जो है सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। सो वीडियो को लास्ट तक एंड तक ज़रूर देखना। तो छत्तीसगढ़ में आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको जो है काउंसलिंग करने के लिए क्या करना है। तो छत्तीसगढ़ में बीएड का काउंसलिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जो है गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जी हाँ, मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और वहाँ पर आपको जो है scrt.cg.gov.in लिखकर आपको जो है सर्च कर देना है। सिंपल आपको जो है ऐसे लिखकर आपको जो है सर्च कर देना है। जब आप सर्च करेंगे उसके बाद आपके सामने काउंसलिंग का पेज दिखाई देगा। ये 2021 का हुआ था लेकिन 2023 में इसी तरह से आपका काउंसलिंग होने वाला। तो उसमें लिखा रहेगा सीजी बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2022-23, इसमें लिखा रहेगा। इस पर जो है आपको क्लिक कर लेना है और बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आपको ऑनलाइन आवंटन कार्यक्रम 2022 की विस्तृत जो है सूचना लिखा रहेगा, इस पर आपको जो है सिंपल क्लिक कर लेना। फिर आपके सामने जो है काउंसलिंग वाला साइट जो है ओपन हो जाएगा और उसमें जो है लिखा रहेगा सीजी बीएड क्लिक टू अप्लाई। तो आपको जो है क्लिक टू अप्लाई इस वाले ऑप्शंस पर आपको जो है सिंपल क्लिक कर लेना है। जैसे आप जो है इस पर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने जो है दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, एक न्यू रजिस्ट्रेशन का और दूसरा जो है एप्लीकेशन लॉगिन का। तो सबसे पहले आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पर जो है क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो है दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, फर्स्ट होगा अदर स्टेट और एक होगा छत्तीसगढ़। तो अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं आपको छत्तीसगढ़ पर क्लिक कर लेना, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर जो है एंटर कर लेना है। जब आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे आपके पास एक जो है ओटीपी आएगा, यहाँ पर आपको अपना पर्सनल डिटेल्स अच्छे से जो है फिलअप कर लेना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, सभी चीज़ों को। देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स की गलती इसी वजह से रहता है और इसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से तो स्कोर कर लेते हैं, बहुत अच्छे से मार्क्स ला लेते हैं, लेकिन सिलेक्शन जो है नहीं ले पाते आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से, आपकी एक सिंगल मिस्टेक की वजह से। इसलिए गलती जो है बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको गलतियों से सीखना रहता है। तो कोई भी गलती आपको नहीं करना, आपको अपना सभी डिटेल्स जो है अच्छे से जो है फिलअप जो है कर लेना है। तो आपका काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो काउंसलिंग का डेट जो है कुछ ही दिनों में जो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आ जाएगा। पहले मॉडल आंसर आएगा, देन रिज़ल्ट आएगा और उसके बाद जो है काउंसलिंग। तो ये सभी चीज़ें पूरा प्रोसीजर हैं, प्रोसेस हैं और एक दूसरे के जो है समरूप हैं। तो आपको जो है अच्छे से बस काम करना है, अच्छे से मेहनत करना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीएड और डीएलएड भर्ती परीक्षा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशंस करते हैं तो डेफिनेटली इसमें आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। देखिए जब आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं ना कोई भी चीज़ में हो, जब आप धीरे से ही उसमें प्रयास करते जाओगे, मेहनत करते जाओगे, तो उसमें कामयाबी, उसमें सफलता जो है डेफिनेटली मिलेगा। टाइम लगेगा लेकिन कामयाबी मिलेगी ज़रूर। तो उस कामयाबी को पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, उस कामयाबी को पाने के लिए आपको जो है काम करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा आप काम करोगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, आपको उतने ही ज़्यादा एक अच्छा खासा एक बेस्ट है, एक बेहतर बेस्ट अनुरूप जो है रिज़ल्ट जो है मिल पाएगा।
इसलिए आपको जो है काम करना ज़रूरी है, मेहनत करना ज़रूरी है। और मेहनत के बगैर जो है परिणाम के बारे में जो है बिल्कुल भी मत सोचना है कि यार मुझे कामयाबी मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, प्रसिद्धि मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा, सक्सेस मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा, वो तो बात की बात है। लेकिन आपको कामयाबी के बारे में जो है उन चीज़ों के बारे में, सक्सेस के बारे में पहले नहीं सोचना है, आपको सिर्फ पहले प्रोसीजर के बारे में आपको जो है सोचना है। तो अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से तैयारी करो, सपने आपके हैं, ड्रीम्स आपके हैं, तो उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको ही मेहनत करना है। तो काउंसलिंग ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और काउंसलिंग में आपको जो है 10 कॉलेज जो है सेलेक्ट करना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको जो है 10 कॉलेज जो है अच्छे से सिलेक्ट जो है कर लेना है, और 14,400 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, समथिंग आप जो है अराउंड 14,500 सीटें, यानी 14,400 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में बीएड के लिए, और जो है 6,710 सीटें हैं आपके जो है डीएलएड के लिए। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो बीएड हो या डीएलएड हो, 12वीं के बाद जो है डीएलएड किया जाता है और आपके जो है ग्रेजुएशंस के बाद जो है बीएड किया जाता है। तो बीएड और डीएलएड छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी मच इम्पोर्टेंट है। तो बस प्रिपरेशन जो है अच्छे से करना, स्टडी जो है अच्छे से करना, और अपने आप पर जो है भरोसा बनाए रखना, और काम अच्छे से करना, मेहनत अच्छे से करना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप काम करोगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, उतने ही ज़्यादा आप आगे बढ़ पाओगे और उतने ही ज़्यादा कामयाबी आपको जो है मिल पाएगा। इसलिए आपको जो है काम करना ज़रूरी है, मेहनत करना ज़रूरी है। सो छत्तीसगढ़ के हर एक स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है, अच्छा रिज़ल्ट है। तो अच्छे से मेहनत करना, तैयारी करना, खुद पर भरोसा रखो, और बीएड और डीएलएड कोर्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। और शिक्षक आप जो है गवर्नमेंट टीचर जो है बन सकते हैं, क्योंकि संविदा के पोस्ट आप जो है कब तक पढ़ाओगे, संविदा उतने आपको पैसा भी नहीं मिलेगा और एक समय के बाद आपको रिग्रेट सा महसूस होगा। इसलिए आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उसके लिए बीएड और डीएलएड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई होप वीडियोज़ पसंद आया हो, तो जब मॉडल आंसर आएगा तो मैं बता दूँगा रिज़ल्ट। कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटिगरी वाले स्टूडेंट का जो है समथिंग 75 में होगा, और ओबीसी का 65 में, एससी का जो है 55 में, और एसटी का जो है 50 में। सो वीडियोस अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लीजिए, एंड वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना। और इसी तरह से मेरे चैनल्स पर जो है आप सभी स्टूडेंट्स को नए नए वीडियोस, नए नए भर्ती परीक्षा से रिलेटेड जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस जो है मिलते रहेंगे। बस जितना ज़्यादा हो सके अपना सपोर्ट बनाए रखना, जितना ज़्यादा हो सके ख्याल रखना, एंड वीडियोज़ को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। सो थैंक यू, मिलते हैं।